शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मम्मी तो पहले बचपन में वो गुनगुनाती थी। अच्छा। लेकिन खुदा हम लोग को दे दिए। मम्मी को गाने का बहुत शौक था। अच्छा। कितना सताती है, जाले जाती है याद तुम्हारी, जब जब मुझको आती है। अच्छा नैन्सी, ये बताओ कि तुमको घूमने भी जाना है बाबा के यहाँ, बाबा धाम। हाँ, बाबा धाम तो मेरा मन है जाने का। सावन का महीना चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब लोग बाबा धाम जा रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ मात्र 9 साल की यहाँ पे हमारे बगल में नैन्सी है, जो बहुत ही खूबसूरत गीत गाती है, मुस्लिम समाज से आती है। आइए इससे सबसे पहले गीत सुनते हैं, बाकी बात बाद में होगा। नैन्सी, गीत से शुरुआत करते हैं। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। वाह, बहुत अच्छा नैन्सी गा रही है। कौन सिखाता है? हमको बचपन में तो दीदी सिखाती थी, अभी भी कुछ गड़बड़ होता है तो दीदी सिखाती है और अपने से हम गाते हैं। अच्छा, कितना उम्र है तुम्हारा? हम 9 थी 9 9। 9 साल की हो और गीत गा रही हो, इतना खूबसूरत लग रहा है कि 30 साल की हो। ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है। अच्छा, किसको अपना आइकॉन मानती हो? लता मंगेशकर। अच्छा अच्छा नैन्सी, ये बताओ कि तुमको कौन बताता है कि ऐसा ऐसा गीत गाना चाहिए? ऐसा मम्मी देती है। मम्मी देती है। हाँ, मम्मी। अच्छा। गाना देती है। और कौन गीत गाती हो? और सब, हम सब गाना गाते हैं। अच्छा। सब। एक और प्यारा सा गीत हो जाए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। वाह, बहुत अच्छा गा रही हो नैन्सी। आगे क्या बनना है? हमको तो सिंगर ही बनना है। हमको नहीं पता है, लेकिन अभी बड़े होंगे तब पता चलेगा। अच्छा, बड़ा होगी तब पता चलेगा। हाँ। अच्छा, अब तो वैसे क्या मतलब बनने का? मतलब मेरा सपना है डॉक्टर का। अच्छा, डॉक्टर का। सिंगर भी? हाँ। डॉक्टर सिंगर दोनों? हाँ। गाना गाते गाते इलाज कर देना है? नहीं, एक हाँ। सिंगर है पलक मंसाल। अच्छा, वो सिंगर भी और डॉक्टर भी। अच्छा। हाँ। उसी का आप मतलब कॉपी कर रहे हैं? नहीं, हमको मन है। मेरे भैया बोले तुमको डॉक्टर बनना है, मतलब हम बोले थे भी कि और दूसरा काम इंजीनियर ये सब का, लेकिन नहीं, वो बोले थे नहीं, हम तुमको पैसा देंगे, डॉक्टर में जितना पैसा लगे वो हम देंगे तुमको, लेकिन डॉक्टर बनना है। हाँ। अच्छा, एक और गीत हो जाए। ईश्वर
सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। वाह, देख सकते हैं इतना सुंदर गीत गा रही है। अच्छा नैन्सी, ये बताओ कि तुमको घूमने भी जाना है बाबा के यहाँ, बाबा धाम? हाँ, बाबा धाम तो मेरा मन है जाने का। कब जाना है? मम्मी से हम बोले थे, मम्मी हमको बाबा धाम घूमने का मन कर रहा है। अच्छा। तो मम्मी बोली थी कि अभी घर बन जाने दो, तो हम लोग चलेंगे लोग। अच्छा। हाँ। घर बन जाएगा उसके बाद जाओगे? हाँ। अच्छा अच्छा नैन्सी, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन और गाता है गीत? मेरी चार बहन है लोग, हम एक मिला के चार बहन। सब लोग गीत गाता है? सब लोग नहीं, मम्मी पापा भैया को छुड़ा के सब लोग। मम्मी तो पहले बचपन में वो गुनगुनाती थी। अच्छा। लेकिन खुदा हम लोग को दे दिए, मम्मी को गाने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ। अच्छा नैन्सी, मम्मी के लिए भी आप गीत उत बनाती हैं? हाँ। एक छोटा सा मुखरा सिर्फ मम्मी के लिए। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनके माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनके माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। कितना सताती है जाले जाती है, कितना सताती है जाले जाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। वाह, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत गीत गा रही है नैन्सी। नैन्सी को सपोर्ट कीजिए, नैन्सी को आगे बढ़ाइए, नैन्सी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।